अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्यार मोहब्बत और भाईचारे की बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी मदद और समस्याओं को उठाने का भी वादा किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कश्मीर में लोगों से मिले और उन्होंने लोगों के दुखों और उनकी समस्याओं को सुना और उनको ये भरोसा भी दिलाया कि वो उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। अब यात्रा के समाप्त होने के बाद राहुल गांधी कश्मीरियों से किए गए अपने वादे को निभा भी रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और कश्मीरी लोगों की अन्य समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर कश्मीरियों की मदद की अपील की है। राहुल गांधी अपने पत्र में लिखते हैं, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आशा है आप सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान कश्मीरी घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा की ओर खींचना चाहता हूं। आतंकवादियों द्वारा हाल ही में कश्मीरी पंडितों और अन्य लोगों की लगातार टारगेट किलिंग ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। राहुल आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय और जन सुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कश्मीरियों के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल ने मनोज सिन्हा के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए अपने पत्र में लिखा, अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी, शायद आप स्थानीय प्रशासन की इस असंवेदनशील शैली से परिचित ना हो। राहुल ने अपने पत्र में आगे लिखा कि मैंने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी चिंताओं और मांगों को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सूचना मिलते ही आप इस बारे में उचित कदम उठाएंगे। माता खीर भवानी की कृपा आप पर बनी रहे, धन्यवाद। गौरतलब है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल राहुल से आकर मिला था और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया था। तब राहुल ने उस वक्त भी उनकी आवाज को उठाने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में भी राहुल ने अपने भाषण के दौरान कश्मीरियों को ये भरोसा दिलाया था कि वो उनकी मदद को आगे आएंगे। फिलहाल राहुल ने कश्मीरियों से किया ये वादा तो निभा दिया है। अब प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के इस पत्र के बाद कश्मीर के हालातों का संज्ञान लेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 PM न्यूज नेटवर्क।